Hey everyone, welcome back to your channel DPharmaEasy Note. This video is DPharm second year student subject pharmacology and toxicology. Friends, ये question आज मैं जो बता रही हूँ आपको, ये question 4 number में पूछे जाने वाले हैं. तो चलिए इनके बारे में देखते हैं, इनके classification ज़्यादा पूछे जाते हैं. Topic है anticholinergic agent drug. Start करते हैं definition. इन drug को parasympathetic blockers and cholinergic blockers agent भी कहते हैं. इस drug से एसिटाइल कोलाइन का मस्करिक रिसेप्टर एक्शन ब्लॉक हो जाता है इस ड्रग से, ओके. और पैरासिम्पैथेटिक नर्व को पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग के प्रभाव को इनहिबिट करता है या ब्लॉक कर देता है. तो ये थी इसकी डेफिनेशन. आइए अब क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं. इसका क्लासिफिकेशन 3 पॉइंट में डिवाइड है. फर्स्ट नंबर है नेचुरल एल्कलाइड, सेकेंड नंबर है सेमी सिंथेटिक और थर्ड नंबर है सिंथेटिक यूजफुल फॉर ऑप्थोटेमिक यूज. तो फर्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन नेचुरल एल्कलाइड को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एट्रोपिन एंड हायोसिन. अब सेकंड नंबर देखते हैं सेमी सिंथेटिक्स, इसको होमोट्रोपिन एंड इम्पोट्रोपिन ब्रोमाइड डाइट्रोपाइम ब्रोमाइड एंड मैथोनाइट्राइड. एंड थर्ड नंबर सेमी सिंथेटिक यूजफुल फॉर ऑप्थोमेटिक यूज. अब इनके क्लासिफिकेशन मेडिरेटिव साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रॉपिकामाइड. फ्रेंड्स, कंप्लीट हुआ ये छोटा सा टॉपिक. और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को थोड़ा और ग्रोथ करवाइए. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू, टेक केयर.